दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान व्यक्तित्व और भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता राजीव दीक्षित के बारे में। राजीव दीक्षित का नाम राजीव राधेश्याम दीक्षित भारत के महान व्यक्तित्व थे और वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे गरीब और ज़रूरतमंद भारतीयों के समर्थक थे। बहुत सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वह भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और भारत में स्वाभिमान आंदोलन, आज़ाद आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत थे। वे भारतीयता के एक मजबूत आस्तिक आस्तिक और उपासक उपदेशक और उपासक थे। राजीव दीक्षित का जन्म और जीवन। राजीव दीक्षित का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाहा गांव में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थे और वे एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था। साथ ही वे फ्रांस के दूर संचार क्षेत्र में भी वैज्ञानिक के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के मुद्दे और भारतीय आर्थिक नीतियों के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया। राजीव दीक्षित का पारिवारिक जीवन और उसके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था और वे मानवीय सभ्यता का दुनिया भर में प्रसार करते थे और वे ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। 1997 में जब उसकी पहली मुलाकात प्रोफेसर धर्मपाल से हुई तो वे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। वे 1999 से बाबा रामदेव के साथ सहयोग करते रहते थे और वे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। बाद में वे महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों के सराहना करते हुए और शराब, गुटखा इत्यादि के उत्पादन के विरुद्ध में कार्य करते रहे करते हुए गौ रक्षक और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ते अपने जीवन को समर्पित कर दिया। राजीव दीक्षित की शिक्षा अपने पिता की देखरेख में उन्होंने फिरोजाबाद के जिले के गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उनके बाद पीडी जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई की शुरुआत 1984 में KKM कॉलेज जमुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक और संचार में VTech की डिग्री लेकर पूरी की। उन्होंने MTech की डिग्री भी IIT खड़गपुर से प्राप्त की थी, लेकिन मातृभूमि की सेवा का जुनून हमेशा ही उन्हें अपनी ओर खींचता रहता, इसलिए वे सामाजिक सेवा के कार्य में अपना योगदान दिया। राजीव दीक्षित का कैरियर। भारत में लगभग 8,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में अपने प्रसार कर रही है और उस कंपनियों के उत्पादन के लिए भारतीय कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन कभी उत्पादन उनके देश में भेज दिया जाता है। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और हर भारतीय से आग्रह किया कि वे स्वदेशी उत्पादन को अपनाएं। उन्होंने कोका कोला, पेप्सी, यूनिलीवर और कोलगेट जैसी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शीतल पेय पदार्थों में जहर होने की बात कही। इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी और ये साबित भी कर दिया कि इन पेय पदार्थों में जहर है। उन्होंने पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनका ऐसा मानना था कि इन कंपनियों ने अपने देश में धन को कम कर दिया है और जिससे भारत और गरीब होता जा रहा है। दीक्षित ने सुझाव दिया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को स्विस बैंक में जमा भारतीय काली संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए। भारत में स्विस बैंक में जमा पूंजी को लाने के लिए उन्होंने 495 लाख लोगों के हस्ताक्षरों को भी इकट्ठा कर लिया था। 9 जनवरी 2009 को वे भारत के स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव बन गए थे और स्वदेशी में उनका विश्वास था। नई दिल्ली में उन्होंने एक स्वदेशी जागरूक मंच का नेतृत्व किया जिनमें 50,000 से अधिक लोगों को उन्होंने संबोधित किया। उनके अलावा उन्होंने कलकत्ता में विभिन्न संगठनों और प्रमुख
व्यक्तियों द्वारा समर्थित आयोजन कार्यक्रमों का नेतृत्व किया, और उन्होंने जनरल स्टोरों की एक ऐसी श्रृंखला को खोलने के लिए आंदोलन किया जहां सिर्फ भारतीय द्वारा बनाए गए उत्पादकों की बिक्री हो। वह आजादी बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक थे। उन्होंने कराधान प्रणाली के विकेंद्रीकरण की मांग करते हुए कहा था कि वर्तमान प्रणाली में जो नौकरशाह है वह भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण थे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि राजस्व कर का 80% तक राजनेताओं और नौकरशाह के भुगतान के लिए किया जाता था। जब जनता के विकास उद्देश्यों के लिए सिर्फ 20% ही उपयोग किया जाता है। उन्होंने सरकार के मौजूदा बजट प्रणाली की तुलना भारत की पहली ब्रिटिश बजट प्रणाली से करते हुए ये दर्शाया था कि जो भी आंकड़े बजट में पेश किए जाते हैं वे उस वक्त की बजट प्रणाली के समान ही थे। उन्होंने अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को लेकर सवाल भी उठाया था। उन्होंने आतंकी हमले पर संदेह किया था। उन्होंने दावा किया कि ये अमेरिका के सरकार द्वारा ही करवाया गया था। उन्होंने यूएसए के लोन लाइटन सोसाइटी के दावे का समर्थन किया था। राजीव दीक्षित ने यह कहा था कि वर्तमान में हमारे पास तीन बुराइयां आ रही है। ये उन्होंने वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण को एक आत्मघाती राज्य की ओर धकेलने वाली